बोले सबसे पहले कहते ये नेम और शो में क्या नाम है आपका? मैं हूँ समीक्षा और मैं खिचड़ी में परमिंदर का किरदार निभा रही हूँ। परमिंदर किस तरह किरदार है आपका इसमें? खिचड़ी में किरदार कैसे हो सकते हैं? तो बिल्कुल लाइक अलग ही दुनिया के लोग हैं जिनको वो आपस में ही उनको लगता है कि यही हम बहुत इंटेलिजेंट हैं और हम जो करते हैं ठीक करते हैं। वो हिमांशु को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी समझती है और इसीलिए उसको प्यार करने लग गई है। और बहुत अच्छा किरदार है, शी इज इनोसेंट, वेरी स्वीट कैरेक्टर, और जो हर उनकी बात में हाँ मिलाती है और बहुत इमोशनल हो जाती है हर बात पे। डेली सो जैसे उसकी उसको उसके भाई बहनों को सबको लगता है सारे बाकी के सारे परमिंदरों को कि हर बात पे इसकी विदाई हो रही है और उसको लगता है कि मैं बस अब मैं जा रही हूँ छोड़ के। आपको सर पता हो बल्ली जो है डायरेक्शन से एक्टिंग में आए हैं, हाँ। क्या कहना चाहिए बल्ली का? अच्छा सरदार जी, हाँ पर सरदार असली सरदार मेरे भाई बलविंदर परमिंदर, हाँ वो है। मैं मुझे बहन परमिंदर कहा जाता है क्योंकि इतने परमिंदर हैं, वो जब बुलाते हैं तो हमें पता नहीं लगता किसका क्यों है। तो हम ऐसे बहन परमिंदर, लेडी परमिंदर, जेंट्स परमिंदर ऐसे ऐसे करके नाम रख दिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैं एक्चुअल में पंजाबी हूँ। तो पंजाबी है लेकिन ये कहीं ना कहीं शो गुजराती है, गुजराती शो गुजराती है लेकिन मैं पंजाबी की कैरेक्टर निभा रही हूँ। तो कैसी एक दो शो एपिसोड बन चुके हैं तो कैसी केमिस्ट्री रही सबके साथ? बहुत अच्छी रही और ये एक्चुअल में सब लोग प्रैंकस्टर्स हैं, बहुत मजे लेते हैं ये। जब मेरा इनके साथ शूट होता है तो मेरे साथ कोई भी पंजाबी नहीं होता, सबके सब गुजराती लोग होते हैं और ये आपस में गुजराती में बात करते रहते हैं जो मुझे थोड़ी बहुत समझ में आती है, लेकिन मेरे को बहुत उल्लू बनाते हैं लोग सेट पे। कितना मस्ती करते हैं आप सेट पे? मस्ती करते हैं, गुजराती वर्ड आपके लिए काफी फनी हो जाता है, मजाकिया हो जाता है। एक तो ये मैं इन सब में से आपने देखा होगा थोड़ी मैं फिटनेस कॉन्शियस हूँ, बाकी के सब ये तो ऐसे लगता है कि हम सब पिकनिक पे आए हुए हैं, सब अपनी अपनी बास्केट भर के लाते हैं, खाखरा फाफड़ा सब कुछ लेके आते हैं गुजराती, और हर 10 मिनट के बाद कुछ ना कुछ सर्व किया जाता है। मुझे मैं डेली सर को बोलती हूँ कि ये आप एक बार पराठे एक बार पंजाबी पराठे लाती हूँ, मैं पर हेल्दी चीजें लाती हूँ, ब्रोकली के पराठे अच्छे वाले लड्डू ड्राई फ्रूट्स के ऐसे ऐसे लाती हूँ। इस बार खिचड़ी में पंजाबी तड़का भी रहेगा जी, पर गुजराती के साथ पंजाबी तड़का भी है क्योंकि पंजाबी तो माने हुए कॉमेडियंस होते हैं, पंजाबियों की तो खून में कॉमेडी है। कोई गाना वाना कोई भी आप परफॉर्म करते हैं? गाना मत सुनिए अभी, एक दिन पीटीसी के लिए करता हूँ, पीटीसी मैं देखता हूँ। बोले सबसे पहले कर रही है लेव शो में क्या किरदार है आपका? जी मेरा नाम है बलविंदर सिंह, इंडस्ट्री के लोग मुझे बल्लू के नाम से जानते हैं और दिल तो पागले के टाइम से, और इस शो में मैं परमिंदर का किरदार, अब यह परमिंदर बोलूँ है तो मेल परमिंदर या फीमेल, ऑफकोर्स मेल परमिंदर यार, बिकॉज इस शो में हमारे फैमिली में जितने भी किरदार हैं मतलब जितने भी लोग हैं तो सब परमिंदर है, यानी मेरी वाइफ परमिंदर है, मेरी सिस्टर परमिंदर है, तो मैं तो उनको एक्चुअली लाडो रानी यानी बहन को लाडो और बीवी को रानी बुलाता हूँ ताकि मुझे पता चले कि परमिंदर कौन है, तो बेसिकली बलविंदर प्लेइंग परमिंदर। गुजराती तो सब सारे थे गुजराती, लेकिन पंजाबी फैमिली भी आ गई हंसाने के लिए, सरदारों का दौर क्या है? जैसे कि शो का एक क्या कहते हैं मूल लाइन दी गई है कि खिचड़ी खाओ पेट भर के, मैं कहूँगा खिचड़ी खाओ पेट भर के लेकिन स्वाद लगा के, क्योंकि इस बार खिचड़ी में लगने वाला है पंजाब देसी घी का तड़का, ब्रेक दबा के खिचड़ी जमा के। अब डायरेक्शन में भी थे और एक्टिंग में भी आ गए, क्या कैसे मूड बनाया? शुरुआत एक्चुअली तो एक्टिंग से ही की थी, कैंपस सीरियल जी पे आता था तब एक्टर ही था, और फिर अपने होम प्रोडक्शन से क्रिएटिव डायरेक्टर बना, फिर डायरेक्टर बना, फिर जर्नी ऐसी है कि कभी लिख भी लेते हैं तो धमाल नाम की फिल्म भी लिखी है, और कभी एक्टिंग करते हैं तो दिल तो पागल है, इंडियन, सलमान खान की फिल्म है, काफ़ी कुछ काम किया एक्टिंग में, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक टैलेंटेड सरदार है, कुछ भी करवा लो तड़का लगा के। चाकू तरबूज पे गिरे हैं, तरबूज चाकू पे गिरे हैं, कटना तो सरदार को ही है। जेडी साहब के साथ हम हमेशा से उन्हें जुड़े हैं, जेडी सर के साथ हमने शुरू किया था आर के लक्ष्मण की दुनिया 350 एपिसोड सब टीवी, अतुल परचुरे, वंदना जी, फिर इसके बाद हमने किया बड़ी दूर से आए 650 एपिसोड सुमित राघवन के साथ सब टीवी का शो था, फिर उसके बाद बकुला बुआ का भूत किया रिसेंटली, और अभी खिचड़ी है तो खिचड़ी में पंजाबी तड़का है। थैंक यू।
एक आईडी दो मैं हूँ। कौन कौन सा है? ये सब है, भोपाल है, ये लखनऊ का है, ये वेबसाइट है। मैं इंदौर से हूँ। हाँ इंदौर का भी है ना, भोपाल का ही है ना। अच्छा बस सबसे पहले आपका नाम और शो में क्या किरदार है आपका? रोली है? हाँ, रोल। हाँ मेरा नाम अनुराधा वर्मा है और शो में मैं किरदार निभा रही हूँ परमिंदर का। मेरे किरदार का नाम परमिंदर है, जो कि एक पंजाबी गर्ल है, पंजाबी मैरिड गर्ल है। एक तो नाम सुना था, छह लोगों को एक नाम पहली बार सुन रहे हैं सरदार फैमिली में, क्या पूरा अपने आप में क्या कहना चाहेंगे? ना सिर्फ छह लोग बल्कि जितना भी हमारा पूरा खानदान है, सभी का नाम परमिंदर है। और यही इसकी यूएसपी है और यही कॉमेडी है कि अगर सारे परमिंदर हैं और अगर किसी एक परमिंदर को जवाब दिया बुलाया जाता है तो सारे आते उठ के। तो सबसे बड़ा, अगर आप बताइए, अगर आपको कोई आपके नाम से बुलाएगा और एक दूसरे से इतना प्यार है कि कभी तो सारे उठ के आएंगे और कभी बोलेंगे कि यार मैं ही क्यों हर बार जाऊँ, इस बार मैं कुर्बानी देती हूँ और जब तू भी परमिंदर है तो तू भी चला जा। इट इज़ लाइक दैट। गुजराती के साथ में पंजाबी का कैसा कॉम्बिनेशन है? पहली बार ये पंजाबी को बीच में छोड़ दिया है सरदारों को। जैसे कि खिचड़ी में पंजाबी पिछले सीज़न में भी देख सकते हैं आप, और उसके पहले मूवी में भी पंजाबी फैमिली तो थी ही, क्योंकि हिमांशु का जो लव क्रश और ये पंजाबी गुजराती पंजाबी लाइक दो अलग अलग कल्चर हैं और ये आपको दोनों साथ में देखने को मिलेंगे। कॉमेडी है तो आपको बहुत मज़ा आएगा और मुझे सच में करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। एक मुझे आईडी देना, बाद में कर दूंगा, आज नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे खिचड़ी के बारे में? क्या कहना चाहेगा? शो बन के तैयार है और एक नया, आप लोगों ने मांगा, आप लोगों के लिए लाए, आप लोगों का फर्ज बनता है, आप लोग दिखने आए, आप लोग आनंद उठाए, आप लोग लोगों से कहे, वो लोग आए, वो लोग आनंद उठाए, वो लोग और लोगों से कहे, और लोग आनंद उठाए, और लोग आए, ये चेन बनता है खिचड़ी का मजेदार तरीके से। देखिए ऑडियंस की भी एक जिम्मेदारी होती है, बहुत बोला आपने हमको खिचड़ी लाओ खिचड़ी लाओ खिचड़ी लाओ, पर आईपीएल के बीच में आईपीएल और कपिल दो पिल के सामने हमको आपका सपोर्ट चाहिए। बोथ आर फैंटास्टिक, कपिल इज सुपर्ब, आईपीएल इज सुपर्ब, उसके बीच में एक घंटा खिचड़ी हो जाए अलग से क्या है इस बार?